हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सिम्स। वुमेन्स लीग का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलियन लीग का, मेलबोर्न विक्ट्री वर्सेस सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स वुमेन के बीच 8:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करूँ अगर मैं इस मैच की, देखो यार मैच तो बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को मेलबोर्न विक्ट्री टीम यहाँ पर इतनी अच्छी फॉर्म में भी नज़र आई है इन दिनों, तो मेरा तो मानना है कि मैं विक्ट्री के साथ ही जाऊँ, ठीक है। तो मेलबोर्न विक्ट्री को मैच जीतना भी चाहिए, भले ही वो दिक्कत से जीतें या धीरे करके या जैसे मर्जी जीतें, लेकिन जीत जीत होती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्ट्राइकिंग की ओर लेके चलूँ, तो सबसे बढ़िया लेडीज़ जो इनकी अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो लॉफ। ऐसा नहीं कि 18 नवंबर को अगर इस लेडीज़ ने 2 गोल कर दिए तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, नहीं भाई नहीं। इसने ऐसा कारनामा इस सीज़न 2 बार किया है, तो मैं इसलिए जानबूझ के इसको ले रहा हूँ, क्योंकि कहाँ ये लड़की एक टाइम पे मिडफील्डर हुआ करती थी, आज ये मेन स्ट्राइकर है। तो अब आप समझदार हो कि कितनी प्रोग्रेस है। उसके बाद इनके और खिलाड़ियों की बात करें तो मेरे को ईओ ग्रैडी ठीक लगती थी, लेकिन ग्रैडी का गेम प्ले ना बहुत पीछे चला गया है, मतलब थोड़ा गिर गया गेम प्ले, तो मैं लूँगा नहीं। एंड वुरी की बात करें तो वुरी गुमाला को यहाँ पर ले सकते हो, या ले सकते हो आप सीसी टीम की रौला को, तो आप देख लीजिए, क्योंकि आई एम गोइंग विद वुरी गुमाला। एंड बात करें यहाँ पर तो मर्फी पॉइंट्स अच्छे दे रही है, अगर मर्फी विदाउट गोल मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 20-30 पॉइंट भी दे जाए, क्योंकि वुमेन लीग है और वुमेन लीग के अंदर बहुत पॉइंट आते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कई बार। सो मैं इसको लूँगा। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ, देखो है तो बहुत अच्छी अच्छी खिलाड़ी, लेकिन मेलबोर्न विक्ट्री की डिफेंडिंग थोड़ी मैटर करती है, दैट्स वाई मैं अभी पहले तो सीसी की प्लेयर लूँगा, इसबेल गोमेज़ के बाद जो हमारी अगली प्लेयर है वो तो कन्फर्म है, जिसका नाम है बी गैलिक। मैं किसी को भी छोड़ दूंगा बट गैलिक को नहीं, क्योंकि गैलिक के पॉइंट देने का रेशियो बहुत अच्छा है। बाकी आपने बी गॉड को लेना है लो, या फिर विन नट को लेना ले लो, क्योंकि आपको एक प्लेयर लेनी पड़ेगी। आप चाहकर भी मेलबोर्न विक्ट्री की 5 डिफेंडर नहीं ले पाओगे, क्योंकि खेलेंगी तो ही ले पाओगे। पहले अगर बात करें तो के एन मॉरिसन बहुत पुरानी है, पिछले साल भी बहुत गोल किए थे, गोल सीधा मतलब डिफेंडर के बारे में गोल बोलना पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ई चेकर की अगर मैं बात करूँ तो मैं चेकर को जरूर लूँगा, अगर खेलेगी जरूर। उसके बाद रैंकिन की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों प्लेयर मेरी डन है, ठीक है। और नैश मुझे इतनी खास इस सीज़न लग नहीं रही, मैं चाहता हूँ कि नैश की जगह किसी अलग खिलाड़ी को चांस दिया जाए, बट इनके ना बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, देखो गिनती की 5 डिफेंडर हैं, कहाँ से चांस देंगे ये लोग, तो मजबूरी है नैश लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर बात करें तो अगर आप ये नया रिस्क खेलना है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्लीन शीट लगेगी तो आप लीडिया विलियम्स को ले लो, आपको पॉइंट अच्छे मिल जाएंगे। उसमें कहना है कि अगर आप न्यू बॉर्न को लोगे तो फिर आप यहाँ से विनहट ले लोगे, विनहट नहीं लेनी तो चुपचाप से विलियम्स ले लो। अब आप देखो क्या करना है, मैं तो अभी विनहट ले रहा हूँ और न्यू बॉर्न को यहाँ पे लूँगा। बात करें कप्तान की अगर देखो, लोगों ने तो कप्तान विनट को रखा हुआ है, पागल हो चुके हैं यार, 31% यार, ऐसा क्या कर दिया उसने 31%, मतलब ये सारे पागल हैं क्या, 31% लोगों ने कप्तान रखा हुआ है एक ऐसी खिलाड़ी को जो पूरे सीज़न में चली नहीं है, वाह। तो मैं लॉफ को कप्तान रखूँगा, वाइस कप्तान है के.एन. मॉरिसन, यही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं आपको सही बोलूँ तो मैं तो इस मैच में आपको रिस्क लेने को कहूँगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत इजी मैच है, अगर हम इजी मैच को रिस्की बनाएंगे तो भाई इसका मतलब बेवकूफ़ हम है, ठीक है। मैं तो भाई इस टीम के साथ जाने वाला हूँ, और अगर कोई चेंज ना होने लायक हुआ तो मैं तो शायद सेम टीम से उतर जाऊँ, बाकी अगर कोई प्लेयर नहीं खेला फिर तो बदलना ही पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।